पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में चल रही सियासी लड़ाई अब एक नए मोड़ पर आ गई है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नवजोत सिंह सिद्धू का विरोधी गुट कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आ गया है। वो कैप्टन को कमान देने के खिलाफ नहीं है, यानी साफ है कि इस लड़ाई में गुरु अब अकेले खड़े नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। देश के ज्यादातर राज्यों से कांग्रेस अपना पंजा खो चुकी है, लेकिन पंजाब में पंजा अब भी मजबूत स्थिति में है, जिसे लेकर पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में जीत की ताल ठोक रही है। मगर लंबे वक्त से नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के बीच चल रही खींचतान पार्टी की जीत की राह में रोड़े अटका रही है। जैसे हटाने के लिए आलाकमान तक कोशिश कर चुकी है, लेकिन नेता हैं कि मानते ही नहीं, और अब तो तरार बढ़ती जा रही है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू का विरोधी गुट कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आ गया है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू को जरूरत से ज्यादा तरजीह देने को लेकर पंजाब कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रताप सिंह बाजवा और अन्य वरिष्ठ विधायक नाराज हैं। इन वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि पंजाब में कांग्रेस को खड़ा करने के पीछे पुराने कांग्रेसियों का हाथ है, जबकि सिद्धू कुछ समय पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सिद्धू को रोकने के लिए कैप्टन अमरिंदर और प्रताप सिंह बाजवा एक मंच पर आने को तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि दूसरी पार्टी में रह चुके नवजोत सिंह सिद्धू को इतनी तरजीह देना ठीक नहीं है। सिद्धू को लेकर आलाकमान के मन में सॉफ्ट कॉर्नर को देखते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ विभिन्न गुट आ गए हैं। दरअसल ये नेता उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें आलाकमान नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस में या फिर सरकार में बड़ी जिम्मेदारी देने को तैयार है, लेकिन पुराने नेताओं को ये मंजूर नहीं। अब देखना होगा कि कांग्रेस नेताओं की नाराजगी को दूर कर कैसे पार्टी को एकजुट करती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।